हेलो दोस्तों, आज है 31 जुलाई और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए संडे को रात को। दोस्तों, मार्केट बहुत एक्साइटिंग मौके पे आ गया है और जैसा कि मैं वीक ऑन वीक रिकॉर्ड करते आ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है मार्केट के अंदर में। अब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हमेशा एक अच्छा मोमेंटम मार्केट है और मोर लेस जैसा कि हम बात कर रहे हैं वैसा ही मार्केट के अंदर में एक स्ट्रक्चरल मूवमेंट हुआ है। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल के थ्रू कुछ सीखा है उनको मैं बधाई देता हूँ कि कहीं ना कहीं हमने जो बातचीत की थी उसका एक क्लियर कट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने मार्केट में देखा है। तो चलिए घुसते हैं मार्केट के अंदर में। व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट, क्या लग रहा है, मेरा व्यू क्या है मार्केट पे और आपको क्या सीखना चाहिए मार्केट में अभी जो हो रहा है उससे, और कैसे स्टॉक्स निकालें जिन स्टॉक्स में हम मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए रिकॉर्ड करते हैं और स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो ये हो गया स्क्रीन आपके सामने और मैं अपना वीडियो थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तो लेट्स गेट इट गोइंग। सो मार्केट क्या लग रहा है, सबसे पहले मार्केट के बारे में बात करना होगा तो अपने को डॉलर इंडेक्स को देखना पड़ेगा। तो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ है इसीलिए मार्केट भी जो है वो ऊपर की तरफ है। ये कॉन्सेप्ट आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। महीनों से मैं इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को कॉन्स्टेंटली बताता जा रहा हूँ। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर विथ यू कि डॉलर इंडेक्स और मार्केट के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो डॉलर ऊपर में 108 गया था और फिर उसके बाद वो नीचे आ चुका है एंड लेट्स सी ये जो लेवल है डॉलर का 105 के करीब, क्या डॉलर 105 के नीचे जाता है। तो डॉलर 105 के नीचे जाने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। यील्ड कर्व का नीचे जाना बहुत जरूरी है जो कि यूएस का यील्ड कर्व नीचे जा रहा है विच इज अ हेल्दी साइन। और ये क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अब नीचे की तरफ है। क्यों, क्योंकि एक मोरलेस एक गिवन हो गया है कि क्योंकि चीजों के दाम बढ़ चुके हैं, बेस इफेक्ट बड़ा हो गया है, अब इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा वो इतना डरावना नहीं होगा जितना पिछले कुछ महीनों में रहा है। तो इसलिए यील्ड कर्व भी नीचे की तरफ है, चाहे वो यूएस 10 ईयर यील्ड कर्व की बात करे या यूएस के 2 ईयर यील्ड कर्व की बात करे। लेकिन एक कंसर्न की बात अभी भी है मार्केट में, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तो डेफिनेटली तेज है जिसके कारण प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है। तो जब तक ये यूक्रेन और उसका इशू पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होता है, हाउएवर अभी तो लग रहा है कि यूरोप ने मोरलेस रशिया के सामने घुटने टेक दिए क्योंकि गैस की नीड वहां पर बहुत ज्यादा होती है ठंड के मौसम में और रशिया क्योंकि मेजर सप्लायर है गैस का, अब वो अपने टर्म्स को डिक्टेट करना चालू कर दिया है धीरे धीरे करके। एक एक यूरोपियन नेशन अपने पल्ले को हल्का कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट लग रहा है कि यूक्रेन और रशिया वाला इशू सॉल्व होगा, बट लेट्स सी, क्योंकि यूएस के अंदर में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। तो कई बार होता है कि इलेक्शन में एक अपनी अपने ऊपर को एज दिखाने के लिए जो वहां का प्रेसिडेंट है वो कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ इश्यूज को ओपन रखे ताकि वो उसको एक इश्यू बना सके, पॉलिटिकल माइलेज ले सके। लेकिन इस बार यूएस के अंदर में इन्फ्लेशन इतने हाई हो गए कि ग्राउंड लेवल पे बहुत तकलीफ हो रही है। तो पता नहीं इस बार क्या होगा, लगता है कि प्रेसिडेंट काफी वीक हो जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट अपना मार्केट तो यही बोल रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने की गुंजाइश है जिसके कारण यील्ड कर्व नीचे की तरफ है। फटाफट अपने कुछ कमोडिटीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपने ऑयल को देखते हैं, तो ऑयल नीचे गया, अब उसके बाद में ऑयल यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है जो कि यू नो तकरीबन 200 डीएमए है, 97 के करीब। ये ईएमए है, बाय द वे मैं ईएमए को बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ बिकॉज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेटेस्ट मूवमेंट को बहुत वेटेज देता है और सिंपल मूविंग एवरेज का भी एक अपना रिलेवेंस है, बट मैं अपने कंफर्ट के लिए ईएमआई यूज करता हूँ। तो 97 के आसपास है, तो यहाँ से रिवर्सल क्रूड का आएगा तो डेफिनेटली वो एक कंसर्न एरिया हो सकता है। बाकी कमोडिटीज में अगर हम लोग देखें तो गोल्ड प्लस एंड माइनस होता रहता है, तेजी का एक माहौल बना था लेकिन अगेन वापस वापस से थोड़ा फॉल होके वापस, तो ये बेसिकली डॉलर इंडेक्स के अपोजिट पे चलता है। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो ये गिरता है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा रिकवर करता है मतलब करेक्ट करता है तो ये बढ़ जाता है। तो इट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप है डॉलर इंडेक्स। सिल्वर जिंक तो थोड़ा थोड़ा कमोडिटीज के अंदर में रिकवरी आई है विच इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डॉलर इंडेक्स वेंट अप। तो मार्केट के अंदर में भी क्या लग रहा है,
अगर आपको याद होगा, आप अगर मेरे वीकेंड एनालिसिस को कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दीज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, 16,250 के ऊपर वाला लेवल आपको याद होगा मैंने कहा था, और ये जो 200 डीएमए है मार्केट का, जिसको मैं ईएमए को फॉलो करता हूँ, 16,500 मैंने कहा था, इसके ऊपर अगर मार्केट इस वीक कोई भी एक वीक क्लोज देता है तो वो पॉजिटिव है, तो यस मार्केट ने इसको पॉजिटिवली रखा है। अब यहाँ पे ऊपर में एक क्लीन स्लेट है मार्केट, दैट मीन्स यहाँ से अब 16,800 के ऊपर में मार्केट स्ट्रांग ही है। मैंने लास्ट वीकेंड वीडियो में एक बात कही थी कि अब इंडेक्स को देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक इतने एक्शन होने वाले हैं कि अगर आपके पास में स्टॉक में मोमेंटम ट्रेड करने का एपेटाइट है जो आपके अंदर में रहना चाहिए, तो आप मार्केट में ये मूवमेंट के अंदर में बड़ा पैसा बना सकते हैं, और वही मार्केट में अभी प्ले हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बहुत एक्शन हो रहे हैं मार्केट के अंदर में। फटाफट निफ्टी का एक चार्ट दिखाता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ, जो मैं अपने लर्नर्स उनको ये बोलता हूँ। आप देखिए जैसे ये 16,700 के ऊपर बंद हुआ और ये सारे इंडाइसेस ने एक मोर और लेस पॉजिटिविटी दिखाई थी, तब से मार्केट के अंदर में काफी काफी स्ट्रेंथ का एक व्यू बना हुआ है। तो डू यू एक्सपेक्ट द सेम थिंग टू हैपन ऑल द टाइम? वेल, अभी तो लग रहा है कि डॉलर में किसी भी तरह का कोई बड़ा रिकवरी नहीं आएगा जब तक यील्ड कर्व नीचे है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लग तो नहीं रहा है कि मार्केट में फॉल आएगा, इसीलिए मार्केट स्पेसिफिक व्यू बना के कोई फायदा नहीं, अब स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए, और मोमेंटम स्टॉक्स जिनमें मोमेंटम है या मोमेंटम आ सकते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो आपको याद होगा मैंने अपने पुराने वीडियोस में बार बार कहा है कि आप दो पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं, वैल्यू पोर्टफोलियो और मोमेंटम पोर्टफोलियो। तो वैल्यू पोर्टफोलियो में एसआईपी आपका कांस्टेंट चलता रहना चाहिए, उसमें कभी डिस्टर्बेंस नहीं। इनफैक्ट इस मार्केट के फॉल में भी मैंने कॉन्स्टेंटली वैल्यू पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है, एंड नाउ द स्टॉक्स हैव गॉन अप। और मोमेंटम के अंदर में मैं आराम से शांति से बैठा था, निफ्टी 200 डे ईएमए का क्रॉसओवर का वेट कर रहा था, बट उसके बाद से जहां जहां मुझे मोमेंटम पोर्टफोलियो में पोजीशन बिल्डिंग का मौका मिल रहा है, मैं वहां वहां अपना पोजीशन बिल्ड कर रहा हूँ, और वापस से एक अच्छा मोमेंटम के थ्रू पैसा बनाने का मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अब मोमेंटम स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें? तो जैसा कि हमने स्टॉकेज के अंदर में डेवलप कर रखा आपके लिए, बहुत इजी कर दिया, बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, अब बहाना नहीं चलेगा कि मैं कैसे करूं मुझे नहीं आता है। आप देखिए स्ट्रैटेजीज में हम लोगों ने कई ऐसे स्ट्रैटेजीज रेडीमेड बना रखे हैं विच इज वेरी यूजफुल फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल स्विंग बुलिश स्ट्रैटेजी के अंदर में मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी ईगल, जहां पे आपको वो स्टॉक्स मिलते हैं जो ईगल है, जिनके अंदर में जबरदस्त मोमेंटम है, और अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आप देखिए मैंने ईगल स्टॉक्स को यहाँ पर लगा रखा है, और देखिए किस तरह का मोमेंटम इन स्टॉक्स ने हमको दिया है। कुछ स्टॉक्स 2 दिन पहले ईगल बने, कुछ स्टॉक्स 7-8 दिन से ईगल है, कुछ स्टॉक्स कल ही ईगल बने थे, फ्राइडे को ईगल बने थे, बट ओवरऑल ईगल स्टॉक जिनमें मोमेंटम है उनके अंदर में मोमेंटम ट्रेड करना, छोटे स्टॉप लॉस में एक टारगेट बेस्ड प्रॉफिट का काम करना, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया। सो दिस इज द मार्केट फॉर मोमेंटम, टेक एडवांटेज ऑफ दिस कंडीशन, बिकॉज ये मार्केट का कंडीशन मुझे लगता है थोड़े टाइम तक रहेगा जब तक निफ्टी में कोई मेजर फॉल नहीं आता है, और मुझे नहीं लगता है निफ्टी हाल फिलहाल में 16,800 के नीचे जाएगा। तो आप आराम से स्टॉक स्पेसिफिक ढूंढिए, स्टॉकेज एंड ऑफ द डे यूज करिए, स्टॉकेज के जो स्कैन्स है उन स्कैन्स को यूज करके आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आप अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते तो हमने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना के रेडीमेड स्ट्रेटेजीज दे दिए हैं, उनको आप यूज करके काम करिए। दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो हमारा एक इन्वेस्टमेंट का एक सेक्शन है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज, इसके अंदर में जबरदस्त परफॉर्मेंस हमारी टीम ने दिया है। ऐसे ऐसे कुछ स्टॉक्स इनमें हमने बाई किया नीचे के लेवल पे, क्योंकि ये हाईली रेटेड अच्छे इन्वेस्टेबल स्टॉक्स है, तो नीचे के भाव पे जब जब हमको मिलता है तब तक हम इनके अंदर में भी पोजिशन को अपना बिल्ड करते हैं, बट दिस इज मोर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव। लेकिन अगर आप मोमेंटम करना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजीज के थ्रू कर सकते हैं, या यू कैन क्रिएट योर ओन कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैं कर रखा हूँ। मेरे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो मैं बना रखा हूँ, और मैं अपने वीडियोस में कॉन्स्टेंटली आपको बताता रहता हूँ कि कैसे आपको मोमेंटम ओरिएंटेड स्टॉक्स निकालना चाहिए, जिसमें प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्टॉकेज के अंदर में मेरा ये मानना है कि स्टॉकेज इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है
प्राइस बेस्ड एक्शंस के वेरियस स्कैन्स को अगर आप देखें तो यूज कीजिए, आज चालू करिए। मुझे लगता है मार्केट के अंदर में बड़ा अपॉर्चुनिटी है मोमेंटम स्टॉक्स में ट्रेड करने का। 4 से 5% का स्टॉप लॉस और 10 से 15% का प्रॉफिट, ये जोन में अब मार्केट आ गया। तो स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें मोमेंटम आ सकता है, और स्टॉकेज के अंदर में बहुत तरीके हैं कि आप स्टॉक आइडेंटिफिकेशन का जर्नी कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दोस्तों ये था एक छोटा सा ब्रीफ आपके लिए संडे रात को, और आई एम होपिंग दैट आप अच्छे से ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक। एंड अगर आप मार्केट में एक सेंसिबल तरीके से स्विंग ट्रेडर बन के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्टॉकेज का आउटपुट चूज कर सकते हैं, या आप स्टॉकेज क्लब के मेंबर बन सकते हैं जहां पर हम लोग कॉन्सिस्टेंटली आपके लिए स्टॉक आइडियाज भी जनरेट कर रहे हैं। यू कैन ऑब्जर्व देम, यू कैन लर्न फ्रॉम देम, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन देम इफ यू लाइक, इफ यू डीम फिट टू बी। थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों, और हैव अ ग्रेट मार्केट नेक्स्ट वीक। बाय बाय।